मोदी जी ने लगातार आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट होने का लगातार आग्रह किया है और 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली ये भी भारत में हुई, जहां 2000 से ज़्यादा विदेशी अधिकारियों ने यहां पर भाग लिया और ये ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेररिज्म की घोषणा भी उसी के दौरान दिल्ली में की गई। इसी तरह ही तीसरी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस भी भारत में हुई, जिसका विषय था काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, नो मनी फॉर टेरर, नो मनी फॉर टेरर। इसी के साथ इसी विषय को लेकर उसमें चर्चा भी हुई और पूरी दुनिया भर के देश आतंकवाद के खिलाफ लाने के लिए भारत ने एकजुट करने का काम भी किया। यही नहीं, अगर आप रिस्पांस देखेंगे भारत सरकार का भी, तो 2016 में अगर सर्जिकल स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ की, तो 2019 में बालाकोट स्ट्राइक्स भी की और 2014 के बाद लगातार आतंकवादियों को ठिकाने लगाने में हमारी सेना ने, हमारे बलों ने लगातार काम किया है। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की ही बात करूं, तो 168% की कमी आतंकवाद की घटनाओं में जम्मू कश्मीर में आई है और 94% कन्विक्शन रेट जो है वो टेरर फाइनेंस केसेस में है, यानी कि जो आतंकवाद को पैसा मुहैया कराते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनकी कन्विक्शन का रेट भी 94% है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में 168% की कमी आई है। अगर मैं पूर्वोत्तर भारत की बात करूं, नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, तो ये कह सकता हूं शांति का युग नॉर्थ ईस्ट में आया है और इसमें 2014 के बाद इंसर्जेंसी वायलेंस में 80% की गिरावट आई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।